अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज फिर हम आप लोगों के दरमियान हैं एक नई रेसिपी के साथ, कम खर्च वाला नशी रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने वाले हैं आलू के लच्छेदार पराठे। आलू के पराठे तो हमें पता है आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आलू के लच्छेदार पराठे शायद ना खाए हों। तो आज हम आपको बताते हैं कि आलू के लच्छेदार पराठे आखिर बनते कैसे हैं। इन्हें बनाने से पहले आप लोग जल्दी से जाकर जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे हमारी कोई भी अमेजिंग, कोई भी अच्छी सी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आलू लेंगे, बॉयल पोटैटोज लेंगे। हमारे पास, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल करना था, हमने आलू को बॉईल कर लिया है और इन्हें पील ऑफ भी कर दिया, इनका छिलका उतार दिया है। यहाँ पे ये है हमारे पास हरा लहसुन, ये है हमारे पास सूखा धनिया, ये है हमारे पास काली मिर्च, ये है हमारे पास क्रश चिली, ये रहा नमक, ये हमारे पास कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, और ये हमारे पास पुदीना है, और ये हमारे पास प्याज है, चॉप्ड हुआ प्याज है, कटा हुआ प्याज। तो मसाले सारे इसमें ऐड कर लेंगे अपने। ये हमने हरा प्याज डाल दिया इसके, हरा लहसुन डाल दिया इसके अंदर, ये हमने सूखा धनिया भी डाल दिया इसके अंदर, ये हमने काली मिर्च भी डाल दी इसके अंदर, एज यू कैन सी ये हमने क्रश चिली भी डाल दी है, ये हमने लाल नमक नमक डाल दी है। हम जो है पिक सॉल्ट खाने में यूज़ करते हैं, वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और हमारी मॉम की ज़्यादातर जो है चीज़ें हेल्दी होती हैं, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है काफ़ी ज़्यादा। ये हमने जो है पुदीना और हरी मिर्च डाल दी है इसमें, और अब जो है हमने ये कटा हुआ प्याज बारीक बारीक काट लिया। एक प्याज हमने मीडियम साइज का लिया था जो हमने इसमें डाल दी। आलू जो है, ये आलू हमारे जो है अच्छे से मैश हो गए हैं और मसाला भी अंदर मिक्स हो गया है इसके, और ये अब आलू का मसाला जो है ये रेडी है हमारा, इसको हम साइड पे कर देंगे। आटा हमने जो है गूंद लिया था पहले ही, मसाला हमारा रेडी है, अब जो है हम पराठे बनाना अपने शुरू करते हैं। पेड़ा जो है हमारा यहाँ पे रेडी है, अब इसको हम बेल लेंगे। ये रोटी हमने अपनी बेल ली, इसके ऊपर अब हम ऑयलिंग कर लेंगे, ये लगा रही है अच्छे से खुश्का डालेंगे। घी, फिर ऊपर थोड़ा सा खुश्का डाला हमने ये अच्छे से करके, अब हम इसकी ये स्ट्रिप्स काट लेंगे। आयान स्ट्रिप्स जो है हमने अपनी काट ली है, अब हम इनको ऊपर नीचे एक दूसरे के रखते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप किस तरह से हमने इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है, रखते जाना है। कि हमने सबको एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से करके रख लेना है, उसके बाद इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये हम फिर से इसको अच्छे से करके बेल लेंगे, देख सकते हैं आप लोग ये हमने बेल लिया। अब इसको ऊपर आलू रख देंगे इस तरह से, इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। अब इसकी हमने अच्छे तरीके से बंद करके पोटली बना लेनी है, इससे होगा आलू हर जगह मिलेगा। और आलू जो है आपको अंदर हर जगह जो है मिलेगा, इससे ही होगा। अब जो है हम फिर से इसको, कि हमारा जो पराठा है ये तवे पे हमने डाल दिए, ये हमारा लच्छेदार पराठा बन के रेडी है। ये देख सकते हैं आप इसके लच्छे कैसे इस तरह से निकल रहे हैं, ये आप देख लें किस तरह से इसके लच्छे जो हैं, ये हर जगह लच्छे लच्छे इसके जो है निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप, आलूओं से भरा हुआ है। तो आज की हमारी यही रेसिपी थी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।